किम फिल्बी एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कभी कोई ब्रिटेन में भूल पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जासूस था जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को बेवकूफ़ बनाया था, और तो और इसे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक स्पाई भी माना जाता है। किम का जन्म 1 जनवरी 1988 को अंबाला, पंजाब में हुआ था, और इनके जो पिता थे वो एक राइटर, एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक एक्सप्लोरर भी थे, और किम भी उनके ही नक्शे कदम पर चले थे। उनकी पहचान बहुत ही ऊपर तक थी, और यहाँ तक कि वो सऊदी अरेबिया के राजा के एडवाइज़र भी थे। अब किम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, और उनका दाखिला हुआ वेस्टमिंस्टर के एक बॉयज़ स्कूल में। वहाँ पर उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद कॉलेज यानी कि ग्रेजुएशन के लिए उनका एडमिशन कराया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में। वहाँ से उन्होंने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री हासिल की और ग्रेजुएट हुए। उसके बाद उन्हें एक कम्युनिस्ट के तौर पर देखा जाने लगा, और उसी साल में उन्होंने सोवियत यूनियन में एक स्पाई के तौर पर भी ज्वाइन किया। तो 1933 में वो सोवियत एजेंट बन गए, और उसके बाद गाय वर्जन नाम के एक आदमी ने, जो कि वो खुफिया सेवा में ही था, उसने MI06 ग्रुप में इनको शामिल कर दिया, एक खुफिया सेवा ग्रुप में, जिसके बाद इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत आगे तक बढ़ाए और काफ़ी सारी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन इन्होंने पास की और काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके बाद उन्हें उच्च पद भी दिया गया, और वहाँ पर भी काफ़ी संवेदनशील पदों को इन्होंने संभाला बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन 1951 में इन्हें इनके खुफिया कामों से रिलीज़ कर दिया गया एक शक की वजह से। दरअसल हुआ ऐसा था कि गाय बर्जर, जिनके थ्रू इनका दाखिला हुआ था, वो पलट गया था, वो एनिमी टीम के साथ हो गया था, और इसीलिए इन पर भी थोड़ा शक किया गया और इनको इनके कामों से रिलीज़ कर दिया गया। फैब 1934 में एक ऑस्ट्रियन लड़की लिड्जी से इनकी शादी हुई थी, जो कि काफ़ी दिन तक चल नहीं पाई। इसके बाद 1939 में इन्होंने इलियोनर से शादी की, लेकिन ये शादी भी डिवोर्स तक जाकर रुक गई, यानी कि डिवोर्स हो गया इनका। इसके बाद एक मिशेल नाम की लड़की थी जो हमेशा इनके साथ रही, इनके मरते दम तक इनके साथ रही, और जब भी दुनिया ने इनकी तारीफ की, इनके कामों की तारीफ हुई पूरी दुनिया में, तब भी वो इनके साथ थी। तो दोस्तों, देखा आपने कितने खतरनाक स्पाई थे ये। आप इनकी कहानी को रडयार्ड किपलिंग की बुक में पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी किम नाम देकर इनके ऊपर एक बुक लिखी है, यानी कि रडयार्ड किपलिंग की एक बुक है किम के ऊपर। दोस्तों, तो ये थी किम की कहानी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्लैक टाइगर में भी सलमान का कैरेक्टर किसी ऐसे ही एजेंट के बारे में हो सकता है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाली फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।